आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे खिलजी वंश के आखिरी शासक मुबारक खिलजी की। बड़ा ही रंगीला राजा था ये, बिल्कुल सही सुना आपने, बड़ा ही रंगीला राजा था ये। मुबारक खिलजी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था जो अलाउद्दीन खिलजी ने इतनी मेहनत से बनाया था। देखिए दोस्तों, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जिस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने भले ही कितना भी एक्सपेंशन किया हो, लेकिन जो उसने जुल्म ढाए अपनी पॉलिसीज की वजह से हिंदुओं को, तो बिल्कुल उसने गरीब कर दिया था। उसका तो सीधा मानना था ना कि भैया अमीर कोई हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर पैसा आएगा तो पावर आएगी, पावर आएगी तो मेरा तख्ता पलट हो जाएगा। तो इसकी वजह से उसकी पॉलिसी इस तरीके की थी कि कोई भी अमीर नहीं हो सकते। उसने चार ऑर्डिनेंस इशू किए थे। वो पहला था जिसने पॉलिटिक्स को रिलीजन से सेपरेट कर दिया था। वो पहला था जिसने मार्केट प्राइस फिक्स कर दिए थे। मार्केट रिफॉर्म वो लेके आया था, शाना मंडी ऑफिसर। मैंने सब कुछ कवर किया है दोस्तों, दो पार्ट में अलाउद्दीन खिलजी का लेक्चर है। पहले में उसकी पूरी बायोग्राफी एक्सपेंशन, दूसरे में उसका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, आप देख लीजिएगा आपको क्लियर हो जाएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं इनके बेटे मुबारक खिलजी के बारे में, जिनको थ्रोन पे बैठाया गया था, लेकिन चार साल तक जो इसने रूल किया ना, सब बर्बाद करके रख दिया। तो हम देखेंगे आज मुबारक खिलजी, और इसी के साथ खिलजी वंश भी खत्म। देख रहे हैं ना भैया आपकी मेडिवियल हिस्ट्री कैसे पूरी होती जा रही है। ये जो लेक्चर्स हैं आपको बहुत मदद करने वाले हैं। सारे लेक्चर सुनिएगा दोस्तों। इससे पहले 13 लेक्चर और हो चुके हैं, मोहम्मद ऑफ गजनवी, मोहम्मद ऑफ घोरी, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, सबको मैंने कवर किया है, स्लेव डायनेस्टी और खिलजी डायनेस्टी, तो बहुत इंपॉर्टेंट। और आगे मुगल्स को भी हम कवर करेंगे, हालांकि इसके बाद तुगलक्स आएंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। sid_reconnect मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। दोस्तों बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर मतलब लेक्चर्स की पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी। आप स्टडी आईक्यू के ब्लॉग्स को विजिट करिए, वहां पे आपको सारी फैकल्टीज की पीडीएफ जो है मिल जाएगी, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। मैं भी अपने पेज और प्रोफाइल पे शेयर करता रहता हूँ, लेकिन वहां पे भी आपको आराम से मिल जाएगी सारी फैकल्टीज की। उसके बाद दोस्तों स्टडी आईक्यू के टैबलेट और पेन ड्राइव कोर्सेज हर एग्जाम्स के लिए आते हैं। आप इन नंबर्स पे कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए, घर बैठिए ड्रीम जॉब निकालिए, और स्टडी आईक्यू आपके साथ। हमने हर एग्जाम को लगभग कवर किया। तो ये प्रोमिनेंट मुस्लिम डायनेस्टीज है दोस्तों। सबसे पहले हमने बात की थी स्लेव या मामलूक डायनेस्टी की, 1206 से लेकर 1290 तक 9 रूलर्स की बात की थी दोस्तों। सबकी बायोग्राफीज अवेलेबल हैं, पूरा आपको पता चल जाएगा क्या हो रहा था। बलबन ने कंसोलिडेट कर दिया था, बलबन का चलो भैया रेन बता दो फटाफट, कमेंट बॉक्स में बताइए कि कब कितने साल तक इसका रूल था, रेन था, चलो कमेंट बॉक्स में बताओ। उसके बाद खिलजी आए, खिलजियों की बायोग्राफी हम देख रहे हैं। इससे पहले जलालुद्दीन खिलजी की बायोग्राफी हम देख चुके हैं, जिसने खिलजी डायनेस्टी को फाउंड किया था, कैसे मैंने पूरी कहानी कवर की है। उसके बाद भैया सबसे ज्यादा चर्चित रूलर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमने पिछला लेक्चर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी खराब था या अच्छा था वो मैंने आपको बताया है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद हम आज देखेंगे मुबारक खिलजी के बारे में, और फाइनली ये खिलजी वंश खत्म हो जाएगा। तो स्लेव वंश हो गया, स्लेव डायनेस्टी होगी, खिलजी डायनेस्टी होगी। इसके बाद हम बात करेंगे तुगलक्स की, तुगलक्स ने सबसे ज्यादा दिन तक रूल किया था, फिर सईद, लोदीज और अल्टीमेटली मुगल्स, और फाइनली आपकी ये मेडिवियल हिस्ट्री पूरी खत्म, फिर मॉडर्न हिस्ट्री पे हम आ जाएंगे। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री के 10 लेक्चर मैंने बोले थे, बहुत ही जल्द लेके आऊंगा। तो यहां पर ये प्रोमिनेंट मुस्लिम डायनेस्टीज है, आपको डेट्स याद रखनी है, बेसिक है आपको इतना तो याद होना ही चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे जलालुद्दीन खिलजी का जो रेन था वो 1290 से लेकर 1296 तक था। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इसको मार दिया। उसके बाद 1296 से लेकर 1316 तक 20 साल तक अलाउद्दीन खिलजी ने रूल किया, और ये आप देख रहे हैं ना, इसने पूरा एक्सपैंड कर दिया था। नॉर्थ तो पूरा डायरेक्टली अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन साउथ डायरेक्टली इसके कब्जे में नहीं था, इसकी सुजरेनिटी एक्सेप्ट की थी। सुजरेनिटी मतलब तुम आजाद हो, लेकिन इतना याद रखना हमारे अंडर में हो, तो हर साल हमको पेमेंट दोगे और जो भी हम रूल निकालेंगे उसको फॉलो करोगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपने हिसाब से अपने किंगडम को चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी के अंडर में था, लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली एनुअल पेमेंट जाते थे।
अब साउथ में दोस्तों बार बार प्रॉब्लम ये होती थी कि ये एनुअल पेमेंट जो है, जो पैसा अलाउद्दीन खिलजी को भेजना होता था वो बंद कर देते थे, तो बार बार अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे जनरल्स को भेजता था, स्पेशली देवगिरी, देवगिरी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, तो बार बार अलाउद्दीन खिलजी अपने जनरल को भेजता था, मलिक कफूर को भेजता था, मलिक कफूर ने अलाउद्दीन खिलजी का काम तमाम कर दिया था, तो वहां पर सप्रेस कर देता था। तो ये सारी चीजें थी, लेकिन आप देख रहे हैं ना, पाकिस्तान जो प्रेजेंट पाकिस्तान है वो पूरा कब्जे में, सेंट्रल, वेस्ट, ईस्ट और इवन साउथ सब कुछ इसके कब्जे में है, काबुल तक इसका दबदबा था। तो अलाउद्दीन खिलजी 1316 में उसकी उसका उसका मर्डर कर दिया जाता है, ठीक है। तो जब अलाउद्दीन खिलजी बने तो अब किसको राजा बनाए, किसको सुल्तान बनाए, नोबेल्स, फिर से यहां पे नोबेल्स का रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने बताया था ना कि किस तरीके से ये भैया तख्ता पलट करते थे, इल्तुतमिश ने, तुर्कान ने, चहलगंज ग्रुप ऑफ 14 नोबेल जब बनाए थे, उसने सोचा था कि ये तो मेरी मदद करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इल्तुतमिश 1236 में उसका देहांत हुआ, और उसके बाद इन्हीं नोबेल्स ने क्या किया, नोबेल्स मतलब ब्यूरोक्रेट्स, प्रेजेंट डे जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना, जो राजा को, उस समय की बात कर रहा हूं, जो राजा को एडवाइस करते थे आपको ये करना चाहिए, लेकिन इनके पास बहुत ज्यादा ताकत आ गई थी, तो इन नोबेल्स ने क्या किया था, ये तख्ता पलट, ये राजाओं को, सुल्तानों को बदलने लगे थे, कॉन्स्पिरेसीज करते थे, मरवा देते थे। बाद में बलबन ने एक एक करके सबको मरवा दिया था, तुर्कान ने चहलगंज को खत्म कर दिया था। तो अगर हम बात करें तो यहां पे भी नोबेल्स का बहुत बड़ा रोल है। अलाउद्दीन खिलजी ने किसी को ऊपर उठने दिया ही नहीं था, उलेमाज हो गए, उलेमाज दोस्तों जो टीचर्स होते थे, उलेमाज हो गए, जो रिलीजियस टीचिंग, जो इस्लाम की टीचिंग देते थे उन, अब ऐसा ये मतलब नहीं है कि अलाउद्दीन खिलजी बिल्कुल धार्मिक नहीं था, बहुत ज्यादा धार्मिक था, ठीक है। जितने भी सुल्तान आए, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं दोस्तों, ये आप याद रखिएगा कि जितने भी सुल्तान आए हैं या जितने भी रूलर आए हैं, भले भारत में नहीं पूरी दुनिया में बता रहा हूं, उन्होंने हमेशा अपने आप को रिलीजन से रिलेट किया है, और ज्यादातर ने, 90% ने यह बोला है कि मैं भगवान का बंदा हूं। पता है क्यों बोला है? देखिए, एक इंसान आता है, एक सुल्तान आता है, ठीक है, वो बोलता है मैं भगवान का बंदा हूं, भगवान ने मुझसे कहा है और तुमको ये करना है, आप कभी भी क्वेश्चन नहीं करेंगे। क्यों क्वेश्चन नहीं करेंगे? क्योंकि भगवान की वाणी है भैया, भगवान से आप सवाल पूछ सकते हैं क्या? मान लीजिए जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने 4 ऑर्डिनेंस निकाले थे, सबने आसानी से, आराम से एक्सेप्ट कर लिया था, कोई विद्रोह नहीं हुआ था, क्योंकि उसने पहले ही बोला था भैया हम भगवान के बंदे हैं। तो सुल्तान यहां पे पहले ही जितना भी जो भी ठीक रहा है वो भगवान के ऊपर फोड़ देते थे, अल्लाह के ऊपर फोड़ देते थे कि उसने उनके ऑर्डर से इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ताकि कोई भी सवाल पूछ ही ना सके, ठीक है। तो मुबारक शाह ने भी यही किया, मुबारक खिलजी ने भी यही किया। मुबारक खिलजी ने आते ही बोल दिया कि मैं अल्लाह की आवाज हूं। एक बार उसने अपने कोर्ट में एक नोबेल से पूछा था कि क्या लगता है मुझे हटाया जाएगा, उसने बोला कि हो सकता है, तो उसने बोला कि मुझे कोई नहीं हटा सकता क्योंकि मैं अल्लाह की आवाज हूं, तो उसने भी यही किया। तो कहानी पे हम वापस आते हैं दोस्तों, जब 1316 में यहां पे अलाउद्दीन खिलजी का देहांत हुआ, उसके बाद फिर मलिक कफूर के हाथ में पूरी ताकत आ गई। मलिक कफूर अलाउद्दीन खिलजी का जनरल था, तो मलिक कफूर के हाथ में पूरी ताकत आ गई, तो मलिक कफूर ने अलाउद्दीन के बहुत ही छोटे बेटे शिहाबुद्दीन, जो कि 6 साल का था, सिर्फ और सिर्फ 6 साल का था, उसको गद्दी पे बैठा दिया। अब 6 साल पे गद्दी पे बैठा दिया उसको, वहां पे दोस्तों ऐसा हुआ कि उसका रीजेंट बन गया, उसका प्रोटेक्टर बन गया मलिक कफूर, कि ये तो बैठा हुआ है, क्योंकि इस समय ताकत जो है अलाउद्दीन के बाद वो सीधा मलिक कफूर के पास है, क्योंकि मलिक कफूर ने तो बहुत एक्सपेंशन किया था और अलाउद्दीन खिलजी के बहुत करीब था। अलाउद्दीन खिलजी ने के आखिरी समय में तो बोला ही था ना कि मलिक कफूर को वापस बुलाओ, मुझे उसके साथ रहना है। तो यहां पे मलिक कफूर ने जब शिहाबुद्दीन को अगला सुल्तान बनाया, 6 साल का उसका बेटा था, तो उसका रीजेंट बन गया, उसका प्रोटेक्टर बन गया। लेकिन यहां पे नोबेल्स जो हैं वो साजिश रच रहे हैं, तो नोबेल्स ने साजिश करके मलिक कफूर को ही मार डाला। जी हां, इसका ही काम तमाम कर दिया। उसके बाद जो बड़ा बेटा था अलाउद्दीन खिलजी का, मुबारक खान, मुबारक शाह, ठीक है, उसको रूलर बनाया, उसको सुल्तान बनाया। सुल्तान बनाने से पहले शिहाबुद्दीन का क्या हुआ आपको बता देता हूं। शिहाबुद्दीन का पहले प्रोटेक्टर बनाया था मुबारक शाह को, ऐसी एडवाइस दी थी नोबेल्स ने कि तुम काम करो कि अभी अगर हम इस तरीके से थ्रोन को हथियाते तो बहुत ही गलत संदेश जाएगा, तुम अभी रीजेंट बन जाओ, प्रोटेक्टर बन जाओ। तो पहले तो मुबारक शाह थोड़ा सा हिचकिचाया, उसको पता था, मुबारक शाह की भी कोई बहुत ज्यादा उम्र नहीं थी दोस्तों, 17 और 18 साल का था। तो मुबारक शाह थोड़ा सा हिचकिचाया कि अगर मैं इसका रीजेंट बन गया, अगर मैंने इसके प्रोटेक्ट किया तो मेरे ऊपर भी, मेरे जान पे भी बना सकती है, क्योंकि बहुत लोग गद्दी को देख रहे हैं। लेकिन बाद में जब नोबेल्स ने बहुत समझाया, पाइक्स कहते थे, तो बहुत समझाया जब मुबारक शाह को, तो अल्टीमेटली बन गया शिहाबुद्दीन का प्रोटेक्टर। लेकिन बहुत ही जल्द इसने शिहाबुद्दीन को अंधा करवा के इम्प्रिजनमेंट कर दिया और
खत्म कर दिया। तो शिहाबुद्दीन का यहां पे खेल खत्म, जो जो जिन्हों जिन्होंने रिवोल्ट किया उनका खेल खत्म, और जिन नोबेल्स ने हेल्प की थी मुबारक खिलजी की उसको भी इसने मरवा दिया, उसका भी सर कटवा दिया, सबका सर कटवा दिया। क्योंकि नोबेल्स अभी विद्रोह कर रहे हैं, आगे भी विद्रोह करेंगे, क्या गारंटी है कि ये मुबारक शाह के खिलाफ विद्रोह नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी देख रहे हैं ना कि किस तरीके से पॉलिटिक्स चेंज हो रही है। तो यहां पे मुबारक शाह ने इन सबको मरवा के अपने आप को सुल्तान जो है वो घोषित कर लिया, और ये फिर बन गया 1316 में सुल्तान। अब अलाउद्दीन खिलजी ने जो जो ऑर्डिनेंस पास किए थे, जितनी भी चीजें पास की थी, मुबारक शाह ने एक एक चीजों को वापस लेना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो पहला ऑर्डिनेंस क्या था कि जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जितनी भी दौलत है, वो अब स्टेट की है। हिंदुओं के पास जो भी दौलत है वो अब स्टेट की है, जमीन है वो अब स्टेट की है, अगर कोई पेंशन दी जाती है तो अब वो नहीं मिलेगी। तो वो सारी चीजें उसने वापस करवा दी। मुबारक शाह ने बोला कि नहीं नहीं, जो भी लैंड्स है सब इनको दे दो, वापस कर दो, ठीक है। तो यहां पे वापस हो गया, जितने भी हिंदुओं के पास थे वो लैंड वापस चले गए। अलाउद्दीन खिलजी ने बोला था कि हिंदू यहाँ पे घोड़े नहीं रख सकते, उनकी वेल्थ नहीं होगी, लेकिन अब मुबारक शाह के, मुबारक खिलजी के इस आदेश से हिंदू अच्छे कपड़े पहनने लगे, उनके पास घोड़े होने लगे, वेल्थ आने लगी, वापस जो है पावर रिवाइव होने लगी। इसने बहुत सारे टाइटल लिए थे दोस्तों, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट टाइटल मैंने शुरू में ही बता दिया था, खलीफातुल्लाह, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, अल्लाह का रिप्रेजेंटेटिव, अल्लाह के नाम से बात करने वाला लोगों से, ठीक है। तो ये चीज थी। तो अब यहां पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं, ये अलाउद्दीन है, आई एम सॉरी, तो यहां पे अगर हम बात करते हैं मुबारक खिलजी की, तो सबसे पहले तो उसने ये सारी चीजें की। उसके बाद यहां पे एक तरीके से जो इंटॉक्सिकेशन, मतलब जो ये बैन था वाइन्स का इंटॉक्सिकेशन, इसने हालांकि ये अलाउद्दीन खिलजी ने बोला था, आपको याद ही होगा मैंने बताया था कि उसमें एक और ऑर्डिनेंस ने बोला था कि अब से जो है शराब की बिक्री बंद। तो यहां पे मुबारक शाह ने इसको भी वापस लेने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरीके से वापस नहीं लिया, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि यहां पे वाइन्स का सर्कुलेशन जो है स्टार्ट हो गया। तो क्यों स्टार्ट हो गया? तो क्योंकि बहुत ही रंगीला राजा था। आपको बता दूं, मुबारक खिलजी बिना कपड़े के अपने दरबार में दौड़ता रहता था। बिल्कुल सही सुना, बिल्कुल कपड़े होते नहीं थे, दौड़ता रहता था। इसका रूल इतना खतरनाक था, अभी हम देखेंगे आगे जाके किसने क्या क्या कारनामे किए। उसके बाद दोस्तों इसने टैक्सेस को कम कर दिया, कुछ टैक्सेस को बढ़ा दिया, कुछ टैक्सेस को कम कर दिया। सोल्जर्स को, जिनको बहुत ही कम सैलरी दी जाती थी, मैंने इसीलिए तो मार्केट रिफॉर्म्स लेके आया था ना अलाउद्दीन खिलजी, कि यहां पे अगर हमने एसेंशियल कमोडिटीज के प्राइस फिक्स कर दिए, कम कर दिए, तो यहां पे जो सोल्जर्स को कम सैलरी दी जाती तो वो यहां से कंपनसेट कर लेंगे, भरपाई कर लेंगे। लेकिन जैसे ही ये आया, इसने सोल्जर्स की सैलरी 6 गुना बढ़ा दी, बहुत बढ़ा दी, बहुत सारे पैसे मिलते थे सोल्जर्स को, ठीक है। इसने आर्मी भी बढ़ानी शुरू कर दी, इसने सईस और उलिमास को ढेर सारे ग्रांट्स देने शुरू कर दिए, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड था, तो जितने भी टीचर्स आते थे, जो भी इस्लाम को फैलाते थे, उनको खूब सारा पैसा देता था ये, ठीक है। तो यहां पे इन सारी चीजों ने क्या किया कि बिल्कुल एक तो इकोनॉमी एकदम गर्त में चली गई, इम्बैलेंस एकदम हो गई, क्योंकि कोई पॉलिसी नहीं थी, ऊल जलूल इसके डिसीजन थे। कोई 17-18 साल का बच्चा कहां पे, उसको क्या, उसको या तो पहले से उसकी उस तरीके से परवरिश हुई हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो 17-18 साल के बच्चे ने सब कबाड़ा करके रख दिया। तो ये सारी चीजें थी। तो ये जो 4 साल थे 1316 से लेकर 1320 तक, ये आप कह सकते हैं डार्क पीरियड थे। यहां पे कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं, किसी के ऊपर भी यहां पे कोई प्रतिबंध नहीं, जिसको जो करना था वो करता था, ये चीज थी। अब यहां पे दोस्तों आपको बता दूं कि जो बहुत सारे टैक्सेस और जो बहुत सारे फाइंस लिए जाते थे, मैंने आपको बताया था ना कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने जो मार्केट रिफॉर्म्स निकाले थे, उसमें अगर कोई भी घपला करते हुए दिख गया तो जितने का घपला होता था ना, उतना मांस काट लिया जाता था उसके हाथों से या उसकी बॉडी से, मैंने आपको बताया था। तो ये जो बहुत ही खतरनाक पनिशमेंट है, ये इसने हटा दिया, बोले कि नहीं ऐसा अब कुछ नहीं होगा। तो ये सारी चीजें थी। अब यहां पे आपको एक और चीज बताता हूं, देखिए ये बड़ा ही अय्याश था, बहुत अय्याश था। जब भी ये कहीं पे भी एक्सपेडिशंस पे जाता था, किसी को जीतने के लिए जाता था, तो इसके पास पूरा लड़कियों का जखीरा इसके साथ जाता था, ऐसा बोला जाता था, इसके बारे में ऐसा लिखा गया है कि ये इंसान की शक्ल में शैतान था, ठीक है, फरिश्ता ने, जो कि बहुत बड़े हिस्टोरियंस रहे हैं और हमको बहुत ज्यादा सोर्सेज वहां उनसे मिलते हैं, उनकी राइटिंग से मिलते हैं, उन्होंने बोला था कि ये इंसान की शक्ल में शैतान था। आपको बता दूं कि खिज्र खान, जो कि अलाउद्दीन का बेटा था, ठीक है, उनकी
उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था देवाल देवी, और खिजर खान ने देवाल देवी से शादी की थी। अब देवाल देवी कौन थी? देवाल देवी देवगिरी के राजा, सॉरी गुजरात के राजा राय करण की बेटी थी, ठीक है। तो खिजर खान ने उनसे शादी की थी। तो यहां पे खिजर खान को मरवा के मुबारक खिलजी ने देवाल देवी से शादी कर ली, ठीक है। ये सब तो चीज ठीक है। उसके बाद इसके जो ब्रूटैलिटी है वो शुरू हो गई। ये क्या करता था, ये बहुत सारी जितनी भी प्रोस्टिट्यूट्स होती थी, लड़कियां होती थी, उनको बुलाता था, ठीक है, और बिल्कुल नेकेड, कोई कपड़ा नहीं, और उनको पूरा कोर्ट में घुमाता था, और जो नोबल्स होते थे उनपे वो टॉयलेट करवाता था, बोलता कि जितने भी नोबल्स हैं इनको गंदा करो, इनको अपवित्र करो। तो इस तरीके का कुछ था ये, बिना कपड़ों के कोर्ट में घूमता रहता था, बायसेक्सुअल था। आपको बता दूं कि इसके काफी रिलेशन भी थे, बायसेक्सुअल था तो लड़कों से भी रिलेशन थे ये, और ये पब्लिकली उन सबको दर्शाता था। आपको बता दूं कि दो ऐसे जनरल थे इसके समय में, एक यहां पे था खुसरो खान और एक हिसामुद्दीन, ये दो थे। इनसे ये पब्लिकली दिखाता था कि मैं कितना ज्यादा पब्लिकली, एक सुल्तान सोचिए हक कर रहा है, किस कर रहा है इन दोनों को एकदम पब्लिकली। तो यहां पे ये चीज तो बिल्कुल पता चल गई थी कि इसके जो चाल चलन है वो सही नहीं है, ठीक है, इस तरीके का था। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब इसने रूल किया, जब इसका पूरा का पूरा रूल था, तो ये जो असंवैधानिक चीजें है ना, इसको बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला। देखिए, लोग वही करेंगे जो उसका सुल्तान करेगा, तो सुल्तान जब इस तरीके की चीजों में एकदम डूबा हुआ है तो लोग भी वही सारी चीजें जो है वो फॉलो करने लगे, ठीक है। तो जितने भी सेंशुअल प्लेजर थे उनका बहुत ज्यादा शौकीन था, ठीक है। जब भी एक्सपेंशन करने जाता था, कोई जीतने जाता था, देखिए दोस्तों यहां पे दो एरिया को जीते गए थे, एक तो गुजरात में रेबेलियन हो गया था और गुजरात को जीता गया था, ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ है, और दूसरा जो है देवगिरी को भी जीता गया था। देवगिरी में जो राजा थे रामचंद्र देव, ठीक है। अब रामचंद्र ने क्या किया था, रामचंद्र को यहां पे अलाउद्दीन खिलजी गए थे, और रामचंद्र जो देवगिरी के राजा थे, यादवाज ऑफ देवगिरी, देवगिरी को इन्वेड किया, सारी वेल्थ लूट के ले गए। उसके बाद देवगिरी ने क्या बोला था कि हम आपको पैसा देंगे, एनुअल पेमेंट देंगे, लेकिन बार बार वो बंद कर देते थे। तो जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होती है तो यहां पे जो रामचंद्र के दामाद हैं हरपाल देव, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी बंद कर दिया, ट्रिब्यूट देना बंद कर दिया। तो जब ये मुबारक खिलजी को पता चला तो उसने अपनी पूरी सेना भेजी। तो यहां पे हरपाल देव ने लड़ाई नहीं की, लड़ाई से पहले ही सरेंडर कर दिया और वो भाग गया। तो यहां पे हरपाल देव को पकड़ के लाया गया और उसको मार दिया गया, ठीक है। तो ऐसा बोला जाता है कि जब ये गया था वहां पे, तब भी पूरा अपने साथ जखीरा लेके गया था औरतों का। तो इस तरीके की चीजें थी, इसके कोर्ट में इस तरीके की चीजें बहुत होती थी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ना किस तरीके से चीजें बदल रही हैं, लेकिन भैया पाप का घड़ा कभी ना कभी तो भरता ही है, अब कब तक ऐसी चीजें करते रहेंगे। तो पाप का घड़ा दोस्तों 1320 में भरा, जब ये अपने सबसे ज्यादा ट्रस्टेड जनरल खुसरो खान पे बहुत ज्यादा भरोसा करता था, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया ना, इससे तो बिल्कुल प्यार करता था ये खुसरो खान से, और ये दोनों ही स्लेव थे, इनको लेके आए थे, लेकिन खुसरो खान बहुत ज्यादा करीब आ गया था और काफी एक्सपेडिशंस भी इनको इस पे भेजता था। लेकिन खुसरो खान का एक दूसरा ही माइंड चल रहा था कि किस तरीके से मुबारक खिलजी को खत्म किया जाए और मेरे पास रूल आए। तो फिर खुसरो खान ने पूरी साजिश रची और इस साजिश के तहत मार दिया मुबारक खिलजी को, खत्म कर दिया। और 1320 में ये पूरा जो वाक्या है वो हुआ था कि खुसरो खान गया और सब, और यहां पे मुबारक खिलजी को खत्म कर दिया। और यहां मुबारक खिलजी के ही अंत से खिलजी डायनेस्टी का अंत होता है। और फाइनली फिर घियासुद्दीन तुगलक, जो कि तुगलक वंश के स्थापक हैं, अब वो आएंगे, क्योंकि खुसरो खान ने अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया, लेकिन तुरंत ही घियासुद्दीन तुगलक ने रिवोल्ट कर दिया और फाइनली खुसरो खान का अंत हुआ, तो घियासुद्दीन तुगलक ने सत्ता संभाली। अब वो क्या कहानी है वो हम अगले पार्ट में देखेंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मुबारक खिलजी। मैंने आपको बता दिया है किस तरीके का रूलर था, कैसा रूल था, और खिलजी डायनेस्टी का अंत हो गया है। खिलजी डायनेस्टी के तीन सुल्तानों की हमने बात की है। तो अभी तक हमने दो डायनेस्टी देख ली, अब अगले पार्ट में हम तुगलक्स की बात करेंगे। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, इसको जरूर शेयर करिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। आशा करता